हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 की टायर फर्स्ट की आंसर की यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है और आप लोगों ने यहाँ पर चेक भी कर ली होगी और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि मतलब हम लोग यहाँ पर मेंस में अपेयर हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है यहाँ पर वो काफ़ी सारे चैनल्स यहाँ पर अपलोड कर दिए और जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड यहाँ पर आपका चैनल है यहाँ पर आरबी वाला, ठीक है, उसने भी यहाँ पर आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपका मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एक एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है वो भी यहाँ पर आपका अपलोड कर दिया गया है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपको पता होगा कि उन्होंने 143 बताई है, उसके अंदर ही प्लस माइनस 3 है, यानी कि वो कह रहे हैं कि 140 से 146 के बीच में कट ऑफ रहेगी इस बार। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि और इससे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर डीमोटिवेट भी हो गए हैं। पहली बात तो आपको सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहूँगा कि आप लोग किसी पर ट्रस्ट करो, किसी पर विश्वास करो, वो अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट करो ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कुछ प्रीवियस आपको मैं डेटा दिखाने वाला हूँ, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ कोई इंसान बिल्कुल सही हो सकता है, 90% वो सही हो सकता है, लेकिन कई बार वो 10% यहाँ पर गलत भी हो सकता है। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है ना उसको आप लोग छोड़ना मत। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब आरबी वाले ने जो कट ऑफ है वो बता दी है तो इसके बाद हमें अब मेंस की तैयारी तो छोड़ देनी चाहिए, है ना, मतलब अब कोई मतलब नहीं है अगर हमारे नंबर 140 से नीचे आ रहे हैं, 143 से नीचे आ रहे हैं, तो अब कोई तैयारी का मतलब है नहीं मेंस की तैयारी का। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं उन्होंने तैयारी का बिल्कुल छोड़ दी यहाँ पर, ठीक है, तो वो आपको काम नहीं करना है, आपकी तैयारी आपको कंप्लीट मेंस की फोकस करना है आपको। अगर आपका प्री क्लियर नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, आपको 2025 के अंदर जो प्री होगा आपका उसमें आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि मेंस के अंदर भी वही सिलेबस है जो आपका प्री में है आपका, और गलती से आपका सिलेक्शन हो गया तो सोच के देखिए, आपने तैयारी छोड़ दी थी यहाँ पर, तो आप लोग मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तुरंत रिजल्ट के बाद में। इसलिए अपनी तैयारी अभी से आप लोग मेंस के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना, मॉक टेस्ट मेंस के लिए लगाना, ताकि आपका जब प्री क्लियर हो जाए तो आपको अच्छा से आपको वहाँ पर दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पर जो कट ऑफ बताई है आरबीआई ने वो सही हो सकती है, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत उसमें आपका मिसमैच भी हो सकता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर अगर आरबी वाले की कट ऑफ देखोगे, यहाँ पर मैंने कहा ना कि विश्वास करो लेकिन आंख बंद करके किसी पे भी आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, ठीक है, और मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट करने का मेरा कोई वो नहीं है। तो देखो सीजीएल 2024 की बात कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 132 से 137 के बीच में जानी चाहिए, उसका रीज़न मैं आपको बता दिया है, पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जाके आप लोग देखना कि मैंने 2-3 फैक्टर यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर का डेटा भी कंप्लीट किया है मैंने, और पिछली बार से लगभग 2.5 गुना विद्यार्थी इस पर ज़्यादा क्वालिफाई होंगे प्री के लिए आपके, ठीक है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी, इस बार वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है आपकी। अभी मैं अगर आरबी का यहाँ पर डेटा लेता हूँ तो आप एक बार इनका एसएससी सीपीओ 2000 जो आपका हुआ था 24 वाला, उसके अंदर आपकी जो इनकी प्री की जो कट ऑफ थी इन्होंने यहाँ पर जो एक्सपेक्ट की थी वो मैं बता रहा हूँ एक बार, आप लोग स्क्रीन पर भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे। हाँ, इन्होंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की थी वो की थी जनरल की 130, ठीक है, एसएससी सीपीओ। देखो मैंने कहा ना कि आप लोग अगर किसी पे आंख बंद करके विश्वास कर लोगे तो उसका कितना बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो बताया बिल्कुल सही है, लेकिन आप मुझ पर भी ट्रस्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तैयारी को लेकर आप लोग बिल्कुल आप लोग सीरियस रहना, ऐसा नहीं कि किसी ने कट ऑफ बता दी तो आप लोग बिल्कुल उस पर फिक्स हो गए कि हाँ अब तो मेरा प्री क्लियर हो ही नहीं सकता, मतलब ठीक है, एसएससी के चेयरमैन है वो, उन्होंने कट ऑफ बता दी, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तो मुझे कोई किसी कंट्रोवर्सी बनना नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के फ़ायदे के लिए एक बात कर रहा हूँ, बस अपनी तैयारी मत छोड़ना। आप लोग देखो अगर आप सीपीओ की देखोगे 2024 की टायर फर्स्ट की, तो इन्होंने जो जनरल की कट ऑफ बताई थी वो गई थी 130, ओबीसी की बताई थी 121, ईडब्ल्यूएस की 120, एससी की 100 और एसटी की 97, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि प्लस माइनस 4 हो सकता है, यानी कि 134 भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल जब आपका रिजल्ट आया था 2024 सीपीओ का, तो उसमें एक्चुअल जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो मेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मेल कैंडिडेट की, तो जनरल की गई यहाँ पर 119 नंबर, ठीक है, और इन्होंने बताइए 130 यहाँ पर, और हाईएस्ट कट ऑफ है इनकी 134 चार प्लस, तो डिफरेंस आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर, अभी 143 बताइए ना ऐसे तरह को, तो यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो लगभग 10 से 11 नंबर का डिफरेंस है, यानी कि 10 से 11 नंबर इन्होंने कट ऑफ ज़्यादा बताई थी, जनरल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं,
ओबीसी की बात करता हूँ तो ओबीसी की 121 इन्होंने बताई थी, और ओबीसी की जो एक्चुअल कट ऑफ गई थी वो 113 गई थी, ठीक है, यानी कि लगभग 8 नंबर का डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 111 बताई थी और 120, यानी कि 9-10 नंबर का डिफरेंस हो गया। एससी के अंदर भी देखोगे तो 89 यहाँ पर बताई है, 100 यहाँ पर, लगभग 11 नंबर का डिफरेंस। तो आप देखो कि 10 से 11 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर रहा है कट ऑफ में यहाँ पर, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, जब सीपीओ का यहाँ पर इन्होंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई होगी, यहाँ पर आप खुद एक बार दिमाग लगाना, एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट मत करना, जब सीपीओ का इन्होंने यहाँ पर आंसर की आई थी उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी कि 130 कट ऑफ जाएगी जनरल की। अब आप खुद सोचिए कि सभी लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल आँख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, तो जिसके भी नंबर 115 120 नंबर आ रहे होंगे, सब सभी सोच रहे हैं, एक बार 115 या 120 नंबर आ रहे होंगे, तो उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी होगी कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कट ऑफ में तो 2-4 नंबर का ही डिफरेंस होता है आर्मी वाले के यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने बोल दिया, इसका मतलब 2-4 नंबर का ही ऊपर नीचे डिफरेंस होगा, यानी कि अगर 125 से नीचे वाले, तो मुझे लग रहा है किसी ने भी तैयारी नहीं की होगी फिजिकल के लिए। और फिजिकल की तैयारी करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, आपको यही नहीं पता कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा, तो फिर आप मैथ्स की तैयारी कैसे करोगे, फिजिकल की तैयारी कैसे करोगे। तो यही सीपीओ के अंदर हल हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बाद में प्री क्लियर हो गया था लेकिन उन्होंने फिजिकल की तैयारी नहीं करी, क्योंकि ये वाली कट ऑफ देख करके वो ऑलरेडी यहाँ पर डिमोटिवेट हो गए थे। तो मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है, लेकिन बिल्कुल भी आँख बंद कर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। अपने तैयारी करते रहो, तैयारी काम ही आपकी आएगी यहाँ पर, ठीक है। और भी आप देखोगे यहाँ पर तो सीजल 2023 की भी आप बात करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो इन्होंने कट ऑफ जो बताई थी वो बताई थी लगभग 145 के आसपास, और कट ऑफ 150 गई थी, तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा गई थी आपकी, ठीक है। 23 और सीपीओ के अंदर कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, तो वेरिएशन तो यहाँ पर आता रहता है, ठीक है। तो मैंने आपसे वही कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी आप लोग मत छोड़ना सीपीओ के अंदर, सॉरी सीजल 2024 के अंदर, कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस बन सकते हैं, जिसके भी नंबर, मैं तो कह रहा हूँ कि 130 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं ना, अगर जनरल की बात कर रहा हूँ, तो अपनी तैयारी आप लोग मत छोड़ना। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपके नंबर 125 भी आ रहे हैं लेकिन आपका जो पेपर है वो सबसे टफ शिफ्ट के अंदर है, ठीक है, टॉप 5 के अंदर आपका टफ से टफ में आ रहा है, तो आपके नंबर कम से कम 15 प्लस नंबर बढ़ेंगे आपके, तो 125 से 15 कितना हो गया, 140, तो सिलेक्शन तो आपका हो ही रहा है आपका। तो बिल्कुल आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, और आपको अपनी आगे की तैयारी करते रहना है मेंस की, आपको ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना बस, ठीक है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप जब वीडियो बनाते हैं तो उसके अंदर ये चेयर हिलती रहती है, देखो मैं इसको काफ़ी कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी ये चेयर हिलती है, क्योंकि इसके अंदर ये व्हील वाली चेयर है, ठीक है, तो मैं कितना भी सीधा बैठा रहूँगा ये चेयर हिलती हिलती है, ठीक है। व्हील वाली आप पता है कि व्हील इधर उधर भगते ही भगते हैं यहाँ पर, जब बैठेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, तो आपको ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और अपने बारे में बता ही दिया, मैं खुद जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ मुंबई में, 2022 बैच में सेलेक्टेड हूँ। तो कोई भी आपको अपडेट होगी आपको बिल्कुल रियन और आपको जरूर मिलेगी यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर धवन स्टडी पॉइंट, उसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, कोई भी अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जो मैंने कट ऑफ बनाई वीडियो वाली वो मैंने बता दी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है मेरे अकॉर्डिंग, 132 से 137 के बीच में मेरे हिसाब से रह सकती है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं। आप लोग बस यही कहूँगा, कट ऑफ किसी की भी अपलोड आँख बंद करके आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है बस, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।